दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग लेनोवो के एट नोट और शाओमी रेडमी नोट 4 के बीच स्पेक्स वाइज कंपेरिजन करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए रेगुलर लेटेस्ट एंड अपकमिंग स्मार्टफोन वीडियो, स्पेक्स कंपेरिजन वीडियो और अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं डिस्प्ले से। दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन में 5.5 इंच की फुल एचडी वाली डिस्प्ले दी गई है, जिसका रिजोल्यूशन 1080 बाय 1920 पिक्सल का दिया गया है। लेकिन दोस्तों लेनोवो के 8 नोट में आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, वही रेडमी नोट 4 में कोई भी गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। दोस्तों बात करें कैमरा की, तो रेडमी नोट 4 में 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है f2.0 अपर्चर के साथ, और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। वही लेनोवो के 8 नोट में 13+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा दिया गया है, जो कि f2.0 अपर्चर के साथ आता है, और 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो कि फ्रंट LED फ्लैश के साथ आता है। तो दोस्तों कैमरा के सेक्शन में डेफिनेटली लेनोवो के 8 नोट बेटर है रेडमी नोट 4 से। दोस्तों बात करें स्टोरेज और रैम की, तो रेडमी नोट 4 तीन स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध है, 2GB रैम, 16GB इंटरनल मेमोरी, 3GB रैम, 32GB इंटरनल मेमोरी, और 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ, और इसे आप एक्सपेंड कर सकते हैं 128GB तक। वहीं लेनोवो के 8 नोट दो स्टोरेज वेरिएंट में उपलब्ध है, 3GB रैम और 32GB इंटरनल मेमोरी, और 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ, और इसे भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं 128GB तक। लेकिन दोस्तों Xiaomi Redmi Note 4 में हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है, वहीं लेनोवो के 8 नोट में मेमोरी कार्ड के लिए एक्स्ट्रा डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है। दोस्तों बात करें प्रोसेसर की, तो Redmi Note 4 में Snapdragon का 625 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और ये 2GHz पे क्लॉक्ड है। वहीं Lenovo के 8 नोट में MediaTek का Helio X23 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि एक डेकाकोर प्रोसेसर है और ये 2.23GHz पे क्लॉक्ड है। दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन मेटल यूनिबॉडी डिजाइन के साथ आते हैं, और इसके रियर पैनल पे फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। दोस्तों बात करें बैटरी की, तो Redmi Note 4 में 4100mAh की बैटरी दी गई है, जिसे आप रिमूव नहीं कर सकते हैं, और Redmi Note 4 का बैटरी परफॉर्मेंस यूजर्स के मुताबिक बेस्ट रहा है। वहीं Lenovo के 8 नोट में 4000mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 15W टर्बो पावर चार्जिंग को सपोर्ट करती है। दोस्तों बात करें सॉफ्टवेयर की, तो Redmi Note 4 फिलहाल Android OS 6.0 पर रन कर रहा है, लेकिन बहुत जल्द इसमें Android Nougat का अपडेट आने वाला है। वहीं Lenovo के 8 नोट भी Android OS 7.1 यानी कि Nougat आउट ऑफ द बॉक्स रन करता है। और दोस्तों Lenovo के 8 नोट में आपको स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बात करें प्राइस की, तो Redmi Note 4 के 3GB रैम वाले वेरिएंट का प्राइस रखा गया है 11,000 रुपये, और 4GB रैम वाले वेरिएंट का प्राइस रखा गया है 13,000 रुपये। वहीं Lenovo के 8 नोट के 3GB रैम वाले वेरिएंट का प्राइस रखा गया है 13,000 रुपये, और 4GB रैम वाले वेरिएंट का प्राइस रखा गया है 14,000 रुपये। अब ऐसे में दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो Redmi Note 4 अब तक का बेस्ट सेलिंग डिवाइस रहा है। वहीं Lenovo के 8 नोट भी आपको 14,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में बेहतर स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करा रहा है। अब ऐसे में दोस्तों देखना होगा कि Lenovo के 8 नोट कितना हद तक Redmi Note 4 को मार्केट में टक्कर दे पाता है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कौन सा फ़ोन लेना पसंद करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो में इतना है दोस्तों। हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक शुरू करो, और हमें चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।